लोकल ट्रेन में जब भीड़ होती है तो ऐसे मारा मारी करते हैं भाई। यहाँ पे बस के लिए भी ऐसी मारा से आया, यहाँ खतरनाक काफी ट्रेंडिंग में भी रहती है यहाँ का प्लेस, क्योंकि यहाँ पे NMDC जो चलती है वाला क्षेत्र को छोड़ के अपने जमाने में गाइस ऐसा चेयर मतलब दिखते थे ना, क्या ही बोले। ये किसके लिए काम आता है ये? अच्छा कढ़ाई है क्या? क्या बात है दोस्त, किस स्थान से हो गए? मुद्री मछली होती है, होता है ना इतना बड़ा बड़ा। हाँ, तो बड़ा बड़ा होता है गाइस, ड्रिंक निकालते हैं लोकल ड्रिंक है ना। अभी अपन जाने वाले हैं भाई अरक्कू, तो वहाँ पे काफी तादाद में पेड़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देशी लंदा सल्पी साड़ी देखने को मिलेगी। गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में, माय सेल्फ 200। गाइस बचली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है NMDC का नवरत्न कंपनी इंस्टॉलेशन है और काफी दिनों से चलता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हैदराबाद में कुछ अलग काम से आया था, यहाँ पता चला कि यहाँ पे एक लोकल मार्केट बैठा हुआ है, तो चलो आज लोकल मार्केट दिखाते हैं। फिलहाल तो गाइस इस मार्केट के बाद मैं जाने वाला हूँ गाइस अरक्कू वैली। अरक्कू वैली में पता चला कि थोड़ा सा वहाँ पे ठंड ज्यादा है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं गाइस, आप लोग को दिखाते हैं भाई मार्केट कैसा बैठता है। फिलहाल तो गाइस काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और ये जो मार्केट है गाइस दंतेवाड़ा जिला से कुछ 32 या 33 किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर उधर यानी कि किरंदुल पड़ता है और ये वेटनेसडे को लगने वाली मार्केट है। वेटनेसडे को एक ही दिन लगती है मार्केट, और उसके बाद जो लोकल मार्केट होती है जो छोटा मोटा मार्केट होती है बचेली में डेली बैठती है। डेवलप एरिया है लेकिन यहाँ पे जो दूर दराज से जो होते हैं ना वो आते हैं भाई पूरे ट्राइबल लोग मार्केट करने के। तो चलिए दिखा दें आप लोग को बाजार की साइड लेके चल रहा हूँ। फिलहाल तो गाइस इधर जो लगती है ना ये मेन रोड है, यहाँ पे इधर से आप अंदर घुस सकते हैं। मार्केट घुमाते हैं आज आप लोग को बचेली की। ये देखिए भाई आसपास पूरे कपड़े दुकान लगे हुए हैं, इधर डिजिटल दुकानें लगे हुए हैं भाई। बैठने देखो काफी ज्यादा क्राउडी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। वॉइस कैसी आ रही होगी नहीं पता गाइस, माइक नहीं लाया हूँ भाई साहब। अंडा बिक रहा है यहाँ पे, ये देखो जाम, ये इमली बिक रहा है यहाँ पे, भुट्टा मसाला है क्या? मसाला, मसाला अच्छा खड़ा मसाला है बोल रहे हैं ये, 20 रुपए का है भाई। तो ये 11 बजे के नजारे हैं गाइस, तो कुछ तो इस तरीके से नजर आ रही है आप लोगों को। और ये शाम तक रहेगी मार्केट, वेटनेसडे को लगती है। ये पूरे ट्राइबल्स है गाइस अपने विलेज से सब्जी बेचने लाए क्या ये भाई? ये कौन सा काम भाई? ये नांगर कांदा बोल रहे हैं इसको, नांगर जैसा होता है कैसा? नाम है नांगर। अच्छा एकर नाम है नांगर कांदा, नांगर जैसा सेप नहीं होता है गाइस, नाम है बस है ना। यहाँ पे अरबी है देखो इस तरह, बहुत लंबी मार्केट। केजी कितना बिक रहा है? 3 किलो। अच्छा स्तर में मिल रहा है 1.5 किलो का 10 रुपए में। तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और सामान बहुत दूर से आते हैं, थोड़ा सा प्राइस आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्या ही बोलूं भाई, मस्त सा सुबह के नजारे हैं, विलेज वासियों से मिलने का मौका मिल रहा है और क्या ही बोलूं। ये देखो टमाटर कितने का है? ये 20 रुपीस। हरी मिर्च है, बैंगन है, बैंगन का ये ब्रोकली है शायद, ब्रोकली है ना? कितना मिलता है इसका केजी भाई? फूल गोभी और ब्रोकली का केजी 60 रुपये है, और बहुत कम जगह पे देखने को मिलती है ब्रोकली आप लोगों को। और आपके यहाँ पे मिलता है क्या बताना? यहाँ पे बहुत कम तादाद में मिलती है देखने को कांदा है ना। ये भी बस्तर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं भाई है ना, शक्कर कंद इसे कहते हैं। जोरों शोरों से खरीदारी चल रही है भाई। मार्केट के पास ही ना स्टेट बैंक नज़र आएगी, ये स्टेट बैंक है, अगर आप मार्केट आ रहे हैं तो स्टेट बैंक भी जा सकते हैं। तो ये सब लोकल लोग हैं भाई, अपने विलेज से लाए हैं ना सब्जी और बेच रहे हैं। कितना किलो है गोभी का? 40 रुपये चल रहा है भाई। फूल गोभी आंटी बेच, दिनों के बाद ऐसा लोकल मार्केट में घूम रहा हूँ, जब ऐसे ट्राइबल लोग से मिलता हूँ गाइस मेरे को बहुत खुशी भी होता है। 20 रुपये में 3 दे रहे हैं भैया देखो है ना। ये भाजी का नाम क्या है? कोतवा, गोतवा। इधर इधर घड़ी चौक लग जाती है गाइस है ना, तो मार्केट बहुत बढ़िया, थोड़ा सा 360 दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये वेटनेसडे को लगने वाली मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये चौक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये देखो काली अंगूर बेच रहे हैं भाई चाचा। कितना है इसका केजी? 100 रुपये का भाई आप लोगों को काली अंगूर मिल रहा है। ये हैदराबाद पीस है ना, देखिए लंबे लंबे से। और ग्रीन वेजिटेबल तो काफ़ी तादाद में मिल रही है यहाँ पे। हालांकि गाइस मैं दूसरे कामों से आया था, तो हमारे एक सब्सक्राइबर वो यहाँ पे मुझे देखे तो वो बोले आप मेरी यहाँ से खरीदते, तो वो बोले कि भाई हमारा भी शूट कर लो। थैंक यू सो मच, जितने भी मार्केट वाली ब्लॉग्स मेरे देखते हैं, लव यू ऑल। ये देखो टमाटर बिक रहे हैं, कितना दादा केजी टमाटर का? और ये प्याज का? प्याज 30 रुपये मिल रहा है गाइस प्याज आपको। और अपना आलू, आलू 20 रुपये मिल रहा है ना वर्तमान में, रेट बढ़ते घटते रहती है ऐसे। ये घड़ी चौक है,
जिसे घंटाघर भी बोल सकते हैं। देहरादून में घंटाघर एक है ऐसे ही, कटल बिक रहा है भाई, बहुत बड़े बड़े नींबू बिक रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। लफ्जों पे कैसे बयां करें जी, मार्केट का पूरा सुपर मार्केट है गाइस। और उधर देखो नारियल भी बिक रही है यहाँ पे, है ना, मटके। चलिए वो भी दिखाते हैं क्योंकि डेढ़ महीने बाद भाई आने वाला है उसका भी सीजन। जो आगे जो देख रहे हैं वो है मेन रोड जो कि किरंदुल को कनेक्ट करती है। ये मटके पूछते हैं भाई कितने कितने का है। ये क्या थोड़ा सा मेन रोड है, मेन रोड के जस्ट किनारे लगा हुआ है। कितना कितना का है दादा ये 110 ये किसके लिए काम आता है ये? सब्जी बनाने। अच्छा कढ़ाई है क्या? हाँ। क्या बात है दोस्तों, ये देखो कढ़ाई बेच रहे भाई दादा, है ना। और बताओ, चूल्हा 60 रुपया। हाँ हाँ, गमला गाई से जो बोल रहे हैं ये वाले गमले, ये 60 रुपये में है, मिट्टी के है ना, पूरा प्योर मिट्टी के। ये देखो यहाँ पे आप लोग को बचेली के मार्केट में दिखेंगे। यहाँ पे आप यहीं से हो कि बाहर से लाते हो? कुमार रास। तो गाइस कुमार रास माटी कला केंद्र है जहाँ पे, वहाँ से काफ़ी दूर दराज से जो ऐसे सामान जाते हैं। जब हम विजापुर विजिट किया तो वहाँ भी बोले कि हम लोग कुमार रास से लाते हैं। तो ये जो जितने मटेरियल दिख रही हंडी के मटके हो गए, तो अभी डेढ़ महीने के बाद गर्मी आने वाले हैं। ये कह सकते हुए देसी फ्रिज है, बहुत ज़्यादा कामों में यूज लेते हैं ना। तो आप अगर बचेली आ रहे हो तो भैया लोग से ले सकते हैं। बेशक सा सीन रहेगी इधर पूरे मेन रोड के पास ही होगा, गली चौक के पास, तो वहाँ से ले लें लू। ये देखिए यहाँ पे अदरक बहुत ज़्यादा तादाद में है। यहाँ पे लोकल लोग भी सब्जी लाते हैं और बड़े बड़े डीलर भी सब्जी लाते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े दुकान जो दिख रहे हैं ये काफ़ी तादाद में लाते हैं हर गांव वाले। यहाँ पे गांव वाले का जो मार्केट होगा, है ना, ये जो मार्केट है ये हमेशा डेली लाने वाले मार्केट है। और गाँव वाले जो आते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाते हैं, है ना, 2-3 kg लाएंगे, बेच दे के चल देंगे। इस नवरत्न कंपनी जहाँ पे इंस्टॉलेशन है वहाँ का मार्केट देख के आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अभी अरक्कू दिखाएं आप लोगों को, और ठंडी का सीजन है तो अरक्कू दिखाना बनता है। तरबूज की वैरायटी मिल रही है बहुत सारे, तरबूज, गर्मी आयो तरबूज खाओ। यहाँ भाई देखो पेंडुल पे का ये है ना, ये घड़ी जो चौक है उसका स्तंभ में बना हुआ ये इस तरीके का मूर्ति। ये देखो पंडवानी कला, कभी कभी यहाँ के लोकल जीके में भी पूछ देता है गाइस, है ना, जिसे घड़ी चौक कहते हैं। अच्छा प्याज भाजी, हाँ हाँ प्याज, इसका फूल काफी खूबसूरत दिखते हैं। ये प्याज है ना जो बस्तर में बहुत ज्यादा उगाते हैं इसको। पुराने जमाने में गाइस ऐसा चेयर मतलब दिखते थे ना, क्या ही बोले, मस्त खूबसूरत सा लगता है। आपका है क्या ये ऐसा? कितने का एक? 200 रुपए का है ना, बहुत खूबसूरत लगती है गाइस, बहुत पहले चलती थी ये। और तो मेरे ख्याल से NMDC स्टाफ से बेचने लग रहा है वाली, तो ऐसा तो बाहर से नहीं आया। यहीं पे देखिए इसके बनावट देखिए कितना खूबसूरत लगती है ना। ये जब पहले होती तो इस तरीके के चेयर्स बनती थी, काफ़ी खूबसूरत दिखती है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहती है यहाँ का प्लेस, क्योंकि यहाँ पे NMDC जो चलती है ना भाई। स्वादिष्ट मिठाइयाँ बिक रही है, करेले बिक रहे हैं, ब्रोकली बिक रहे हैं। ये देखो बहुत तादाद में भाई, क्या मिल रहा है पता है ना, लाल भाजी खाओ कौन बढ़ाओ। 10 में कितना जुड़ा दे रहे हैं? 10 रुपये में 3 बंडल मिल रहे हैं गाइस वाले। हर मार्केट में आते हो क्या? हर मार्केट में आते हैं भाई, जिसको ब्लड बढ़ाना है लाल भाजी खाइए, है ना, और कुछ बीट रूट खाइए, बीच में तो ऐसे खाली रहती है, बीच में कुछ नहीं लगती भाई। ये लौकी के पूरे स्टॉक लेके रखे हैं भाई। बेर भाई बेर, इतना बड़ा बेर देखे हो क्या, काफ़ी बड़ी बेर है यार। अभी बेर जो खा रहे हैं उनको खांसी भी हो जा रहा है क्या? हम इधर से आए गाइस तो हम चलेंगे आप लोग को लेके इधर। रेड आंट मिल रही है जो कि हर मार्केट में, भाजी का नाम क्या तो है, तो भाजी को क्या बोलते हैं, भाजी को है? अच्छा ये तो गाइस है जो वाला जो भाजी है ना, ये खेतों में मिलती है और ये काफ़ी एक्सटेंट टाइप की भाजी है, और इसके शायद इसके कुछ दवाइयाँ भी उपयोग में होती है और टेस्ट काफ़ी बेहतरीन होती है। इसका हिंदी नाम नहीं पता, लेकिन ये खेतों में उगती है। आप क्या क्या बोलते हैं बताना, मुझे भी अपग्रेड करना है भाई। ये थोड़ा गोडी में बोल रहा है, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा क्या नाम। जैसे देख सकते हैं मार्केट की खूबसूरती आप लोग को काफ़ी शोभा बढ़ाएगी, और आपको बेशक यहाँ पे आना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। गाइस आप सभी लोग का थैंक यू, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई बचेली का लोकल मार्केट दिखाओ, तो हम आपके डिमांड के हिसाब से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रूट की फलों की तो कमी नहीं होने वाली भाई, बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। ये देखो ताड़ी पेड़ होता है ना, उसका जब अंकुर निकलता है जिसको बॉयल करके खाते हैं, और ये बड़ा होता है तो बनता है भाई ताड़ी पेड़, जिस पेड़ से भाई ड्रिंक निकालते हैं, लोकल ड्रिंक, है ना। अभी अपन जाने वाले हैं भाई अरक्कू, तो वहाँ पे काफ़ी तादाद में पेड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल ये बॉयल है, और कितने का है? 20 रुपये
20 रुपये में निकल रहा है। अगर आप बस्तर आ रहे होते एक बार ट्राई करना भाई, बहुत बेहतरीन टेस्ट होती है। हैदराबाद में इसका पेड़ भी दिखाऊंगा और ड्रिंक भी ट्राई मार के दिखाऊंगा, है ना दादा। करेला 20 रुपये में मिल रहा है भाई, है ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं यार, अच्छे खासे बड़े मार्केट हैं। नहीं ये कौन सा भाजी है आप लोग कमेंट करके बताओ। तो अपने बस्तर में अनेक प्रकार के भाजियाँ मिलती है, मैं जहाँ भी नया नया देखता हूँ तो पूछता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता रहता, ताकि आप लोग जान सको। माला ओला राजस्थान से हो क्या, कहाँ से हो, यूपी, क्या बात है गाइस, यूपी से भी आए भाई बच्चे, यहीं पर रहते हो आप, यहीं पर रहते हैं, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे मार्केट, मतलब यहाँ पे बिजनेस करते हैं, कुछ महीनों रहते हैं फिर जाते हैं, फिर अपना बिजनेस करने आते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग से मुलाकातें होंगी दूर दराज वाले से, लोकल लोग तो मिलेंगे ही साथ में, यूपी बिहार ना हमारे भारत देश में स्टेट है ना, सभी लोग यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, वो है ना पौधा बड़ा होता है ना, इतना बड़ा बड़ा, हाँ हाँ, तो बड़ा बड़ा होता है गाइस। ये पूरा सेट कितना बेचे हो, 20 रुपये में इतना सारा बेच रहा है, जिसको उगाना होगा, काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, है ना, हाँ हाँ। तो ये चलिए यहाँ पे टमाटर बिक रहे हैं, यहाँ पे चूड़ी कंगन माला, गाना याद आ गया भाई साहब, ये जो भैया थे ना ये बांसी में मिले थे मेरे को, तो अब जब आए तो ये मुझे पहचान गए, है ना, ये देखिए, तो इनका भी रिक्वेस्ट था कि बनाया जाए। तो शाम तक रहोगे आप यहाँ 8 बजे तक, क्या बात है। तो गाइस ये बांसी वाले वीडियो में मिले थे, मैं इनके यहाँ से एक ऐसे चप्पल उप्पल लिया था, तो आप लोग बोलते हो भाई जैकेट कहाँ से लेते हो, तो मैं ऐसे लोकल मार्केट से ही लेता हूँ यार, मुझे लगता है कि ऐसी लोकल मार्केट से लेने से आपको सस्ते भी पड़ते हैं, मुझे लगता है मार्केट घूमते घूमते मुझे जो पसंद आ जाती है तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, है ना। तो जब मैं यहाँ पे कुछ विशेष काम से आया था तो भैया मिले, तो बोले कि भाई हम भी आपके फैमिली मेंबर हैं। कौन कौन सा मार्केट कवर करते हो आप, बांसी और यहीं पे दो जगह, तो भाई इनको पहचाने रहो, अगर मेरे सब्सक्राइबर आस पास के तो भैया से आके ले सकते हो, चप्पल जूते ले सकते हो, है ना। तो भाई मैं भी यहीं से लिया था, इन्हीं के यहाँ से, है ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप इनसे पूछ भी सकते हो कि भाई एक बंदा था जो आपसे यहाँ से लिया था, थैंक यू, है ना। तो बेहतरीन बेहतरीन बॉल है भाई यहाँ पे, है ना, कलर में से बॉल दिख रहे हैं यहाँ पे, और मार्केट देखो यहाँ से शुरू होती है ऐसे करके यहाँ तक, और इधर भाई ये फुटबॉल ग्राउंड है, उधर आप लोग का NMDC वाला प्लांट है, यानी कि पहाड़ है, बड़ी बड़ी पहाड़ है। आप मार्केट घूम रहे हैं, आपको रेड आंट या कह लो यहाँ का फेमस सफा चटनी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, निकले। तो गाइस हमारे यहाँ एक मुर्गा वाला खेल चलता है, बहुत ही फेमस, ज्यादा फेमस है, और लोग बहुत चाव से खेलते हैं, है ना, अगर कभी होगा तो हम भी देखने जाएंगे। मिर्ची का कलर देखो भाई, ब्लैक एंड ग्रीन, 20 रुपये का होना चाहिए। गांव वाले हैं यार, जितने छोटे छोटे दुकानें दिख रहे हैं इस तरीके से, ये सभी गांव वाले का दुकान होता है, गांव से जो उगाते हैं वो लेके आते हैं। ये देखो झाड़ू मिल रही है, लगता है NMDC कितने का है झाड़ू, 40 रुपये में आपको फुल झाड़ू मिल रहा है ना। ये देखो ये सब ट्राइबल्स हैं जो कि अपने विलेज से भाई यहाँ पे आए हैं ना, और ये मछली कहाँ से आया है, यहाँ खतरनाक विशाखापट्टनम जाने वाले हैं गाइस कल, तो अपन नई मछली भी दिखाएं, क्या नाम है इसका, सांबला, मछली का नाम सांबला, एक सलोनी कुछ सुना था, देख आप कहेगा नहीं, आप पूछा ना, लाल मछली हो गया ये बोले, हाँ सफ़ेद हो गया, इसमें शायद नमक लगा हुआ है, और आपको समुद्री मछली है, और आपको मोयल को दिखाया था भाई बीजापुर के मार्केट में, है ना, क्या नाम है इसका, रेती मछली, भाई साहब मछली का नाम याद रखे रहो, रेती मछली, और ये एक ही प्रजाति के मछली है दोनों, है ना, ये हो गया अच्छा उदेशी, हाँ उधर वाले, हाँ हाँ हाँ, ये उधर से आती है समुद्री मछली होती है, कल जब जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी तादाद में मिलेगी, बाकी ये देसी मछली है, ये देखो यहाँ के गांव में मिलती है मछली, कितने का ये 100-100 रुपये में मिल रही है ना, ये देसी मछली है, ये बाकी ये विशाखापट्टनम से आया हुआ समुद्री मछली है, और इसमें नमक लगा हुआ है, काफ़ी चाव से ट्राइबल लोग ले जाते हैं भाई, बहुत डिमांड है इसकी, है ना, हाँ ये चिंगड़ी भी देसी है ना, चिंगड़ी बोले तो प्रॉन्स कुछ बोलते हैं इसको, ये देखो देसी मछली, ये नहीं लग रहा देसी मछली, ये मछली का नाम क्या है, मैताली, क्या बात है गाइस, मछली का नाम सुन सुन के ना क्या कुछ लगता है, मैताली बोलते हैं, कभी मोयल बोलते हैं, कभी पोयल बोलते हैं, तो ऐसे भाई मेताली। अच्छी मछली है ये, कहाँ उड़ीसा से लाए हो, अच्छा तो
कोटपाड़ भाई, कोटपाड़ मतलब उड़ीसा में आता है, वहाँ से बिजनेस करने आते हैं। मछली का भी कमी नहीं है, एनएमडीसी वाले जितने भी जॉब करते हैं उनके लिए है ना, क्योंकि गाइस 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर एक ही दिन भी आज ही मिलता पूरा खरीद के ले जाओ। अदरक है कि हल्दी है? अदरक है ना, घर में उगाया वाला अदरक है। 20 रुपये मिल रही है और दादा बेच रहे भाई। अरे ये देखो क्या बिक रहा है पता है, इमली। तो रायपुर वाले बोलते मेरे लिए ला देना, मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। लोग को दिखाते दिखाते इधर हमारा घर प्रस्थान करेंगे। 20 रुपये मिल रहा है कद्दू के, लोकल है तो इनसे खरीदा कीजिए। काफ़ी सारे पपीता लाए, कितने का एक हाँ रेट है देखो, ये सब वहीं के लोकल है गाइस। तो कभी भी खरीदिए तो इनसे खरीदिएगा, ताकि इनका फाइनेंशियल सपोर्ट किए। मैं हमेशा मार्केट में ही प्रमोट करता हूँ कि गाइस जो लोकल लोग होते हैं यहाँ पे जो बेचने लाते हैं है ना, इस तरीके जो दुकानें होती है, जो लोकल लोगों की जो दुकानें होती है, उनको मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ, ताकि आप लोग अगर घूमने आ रहे तो उनसे भी खरीद कीजिए, ताकि उनका घर चल सके। तरीके का तेल बिकता है भाई है ना, तो मार्केट में ये देखो इस तरीके का ब्रांड का, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बिकता है। अब हैदराबाद में कैसा मिलेगा देखते हैं कैसा है। देखो ये सब बिकता है हमारे यहाँ है ना। चलिए रेड एंड काफ़ी तादाद में मिल रही है यहाँ, तो यहाँ पे कपड़े मार्केट लग जाते हैं, यहाँ से कपड़े दुकान डिफरेंट तरह के कपड़े हैं यहाँ पे डेली लगाते हैं। तो मतलब यहाँ का जो मार्केट है इस कपड़े दुकान, ये आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ दुकान ज़्यादा उधर है और हाँ हाँ हाँ, तो कपड़े दुकान अगर जगह नहीं है, एक जगह में जगह नहीं है बोल के इधर उधर करके बैठे। हाँ हाँ सही बोल रहे, काफ़ी सारे सब्जी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा मात्रा में कपड़े खरीदने हैं तो आपको जाने पड़ेंगे इधर उधर भी ले जाएंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। ओटीएम भी चल रहा है देखो है ना, जिनको फोन से पेमेंट करना होगा फोन से करेगा। हाँ पेटीएम से याद आया, कैशलेस विलेज का एक वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा, भरपूर प्यार मिला है पब्लिक का। कैशलेस विलेज पालनार कुछ नाम है उस जगह का। हाँ लोकल ड्रिंक, साथ में कपड़े दुकान भी दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए मेरे साथ है ना। वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए ये देखिए, ये पूरा लोकल ड्रिंक्स है, बस्तर बियर जिसे कहते हैं ना, ये देखो पूरा, ये देखिए हमारे यहाँ बहुत चलती है गाइस। मैं हर मार्केट में कोशिश करता हूँ आप लोग को, क्या छीन दे की सेल्फी है, सेल्फी हमारे यहाँ बहुत चलता है ना, तो कोशिश कर सकते हो। 10 रुपये से 20 रुपये कसेला मिलेगा आप लोग को है ना, देखो बहुत बहुत मिलता है यार ये लोकल मार्केट में देसी ड्रिंक का। वो देखो क्रेज एरिया है, ये है देसी ड्रिंक वाले, तो अपन ज़्यादा नहीं दिखाएंगे भाई, क्योंकि अपन हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरीके से लोकल ड्रिंक भी दिखा दिए। यहाँ पे लंदा भी मिल जाएगी, हर मार्केट में आपको लंदा मिल जाता है, जगह पे आपको देसी लंदा सेल्फी साड़ी देखने को मिलेगी। डिपेंड अपॉन यू, आप पी सकते हो नहीं पी सकते हो, मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन मार्केट में जो चीज़ें होती है वो मैं दिखाता हूँ। और लंदा बेशक पी सकते हो, काफ़ी अच्छे रहते हैं है ना। तो चलिए अभी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं, ये लोकल ड्रिंक वाला क्षेत्र को छोड़ के कपड़े दुकान लेके चलेंगे। बताना भाई मज़ा आ रहा है मेरे को तो। चलिए अभी दिखाते हैं भाई कपड़े दुकान, मेरा एक मित्र यहाँ पे जॉब करता है, चलो उनसे मिल के आते हैं। स्टेट बैंक के मार्केट के पास ही स्टेट बैंक है और मार्केट के पास ही पोस्ट ऑफिस है ना, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और भाई देखो प्लांट दिख रहे हैं ना यहाँ से, वो है प्लांट भाई, एनएमडीसी की प्लांट है, जहाँ पे आयरन ओर निकलती है। मटर के लिए बोले हैं, पहले देखते हैं, ढूंढने के लिए भी मुझे घूमना पड़ रहा है। ताज़ा ताज़ा कितने का ये? 100 रुपये का बोल रहे हैं भाई। टमाटर, ये टमाटर मेरे लिए नहीं है, एक मित्र के लिए, वो बोला कि टमाटर है ना, पहले ये वाला लेने सोच रहा था, वो बोला कि बड़ा वाला लेके आना, तो बड़ा लेके चलते हैं। चलो टमाटर लेते हैं। ओके टमाटर ले लिया हूँ अभी, अभी चलता हूँ ब्लॉग, थोड़ा देर बने रहिए आप लोग है ना। हो गए तो गाइस बचली का ट्राइबल मार्केट घूम के जा रहे हैं और एक मित्र के लिए टमाटर ले जा दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ से डिजिटल सामान हैं, यहाँ पे लोकल ड्रिंक बिकती है। फिलहाल मेन रोड से आओगे ना इस तरीके से दर्जी दुकान मिलेगी, मैं कभी कभार यहीं पे आता हूँ। ऐसे जो कपड़े दुकान है आपको डेली देखने को मिलेगी, डेली आने की यहाँ से भागता नहीं है दुकान, यहीं पे रहती है। जैसे मार्केट में लगता है उसका शाम होता है फिर उठा देते हैं ना, ये वैसी मार्केट नहीं है, ये किराने दुकान है। यहाँ पे आपको तमाम डेली नीड्स के सामानें मिल जाएंगी जहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये भी भागता नहीं है, यानी कि डेली लगने वाली दुकानें हैं। मार्केट में उठने के बाद जो दुकान है वो चले जाती है ना, यहाँ पे तमाम अंडे ये सब डेली मिलेंगी आप लोग को, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वैसे बैठने के लिए भाई इतना मारा मारी है ना, क्या ही बोले, देख रहे हो ऐसा लग रहा है लोकल ट्रेन में बैठने के लिए मारा मारी कर रहे हैं, मतलब ये जो शराब देख रहे हैं पूरे बस में बैठने वाली शराब है। लोकल ट्रेन में जब भीड़ होती है तो ऐसी मारा मारी करते हैं भाई, यहाँ पे बस के लिए भी ऐसी मारा मारी है। तो फिलहाल तो गाइस हमें इस बस में हमको ही मारा मारी करना पड़ेगा, फिलहाल सबसे लास्ट में बैठेंगे क्योंकि हमको जल्दी उतरना भी है और कल सुबह भागना भी है ट्रेन से। पता नहीं हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमांडर से जाना पड़ेगा अगर नहीं मिलेगा तो है ना, अगर नहीं मिलेगा तो भाई लिफ्ट मांग के जाएंगे या फिर कमांडर का इंतजार।
इंतजार करें, कमांडर से जाएंगे, अगर नहीं मिला तो ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। कहते लोकल वाले, मेरे ख्याल से जो बसेस हैं थोड़ा डिले चल रही होगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मार्केट भी है तो भीड़ तो होगी भाई। थैंक यू सो मच। जगदलपुर की ओर जाने वाली बस में खड़े हैं और आज मार्केट है, बहुत भीड़ है। देर में छूटे जी, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन। इसका टावर तो एडिटिंग भी करना है आपको देना। ठंडी है थोड़ा सा, 27 से 11 डिग्री सेल्सियस चल रही है और धूप भाई देख सकते हो काफ़ी टावर तोड़ धूप पड़ती है और ठंड भी वैसा ही लग रही है। फिलहाल वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को अपने तक ही सीमित मत रखिए, शेयर कर दीजिए। एक तो शेयर करने का बनता है, लाइक करने का बनता है। अगर नए हो चैनल पे तो बेशक सब्सक्राइब करो। हम इसी तरीके का ट्राइबल रूरल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर अच्छे लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, तहे दिल से सभी लोग को, हर एक को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।